नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सूट होता है उसकी बैक साइड में जिप कैसे लगाई जाती है, जो कंसील्ड जिप होती है उसे कैसे लगाया जाता है और साथ ही नेक लाइन कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ ये चीज़ें तैयार की हुई है, जैसे नेक लाइन हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट में दोनों साइड के लिए इस तरीके से रेडी किया हुआ है, ऐसे जैसे आप नॉर्मल गला जड़ते हो वैसे ही हमने यहाँ पे जड़ लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक जिप ली हुई है, कंसील्ड जिप होगी जो कि हम आपको लगा के यहाँ पे बताएंगे इस तरीके से इसको रेडी किया है। जिप लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी ली हुई है, ये इस तरीके से इसकी चौड़ाई जो होगी हमारी 3 इंच की होगी। इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग जो होती है ये हमने पेस्ट की हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिप लगाने के लिए इस पट्टी का सेंटर पॉइंट बनाते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे हल्का सा नाखून की मदद से इस तरीके से एक सेंटर बना लेना है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे बैक साइड वाला जो पार्ट होता है वो रखना है। आपने ध्यान रखना है बैक साइड का भी आप सेंटर बना ले। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पे सेंटर की ये सिलाई लगाई हुई है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे सेंटर में इसको सेट करना है, ऐसे सेंटर में। और जितनी लेंथ तक आपने यहाँ पे जिप लगानी होती है, जैसे हमें ऊपर से यहाँ पे चेक करना है कितने इंच तक लगानी है, तो ऊपर से हम यहाँ पे तकरीबन 19 से 20 इंच तक यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारी सेंटर वाली सिलाई भी रहनी चाहिए। अब हमें ये इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई का ध्यान रखना है गैप जो होगा हमारा दोनों साइड में इस तरीके से एक पैर का होना चाहिए, इस सिलाई के इधर भी और इधर भी। आपने कम से कम मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है नीचे की साइड सेंटर में इस तरीके से पट्टी को रखते हुए। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे दो टांकों की नोक बनानी है इस तरीके से, यहाँ पे हल्की सी नोक बनाते हुए अब हम वापस सिलाई को लेकर के आएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा ली है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद आप एक बार नीचे से भी इसको चेक कर लें। तो ये देखिए नीचे से भी हमारी इस तरीके की यहाँ पे सिलाई आएगी, गैप आप देख सकते हो। अब हमें इसके सेंटर से इस तरीके से ये कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे सेंटर तक हमने सेंटर में कटिंग कर दी है और यहाँ पे ध्यान रहे नीचे इतना कट लगाना है ताकि हमारी सिलाई वगैरह ना कटे। इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से इसमें हल्का सा ऐसे नाखून लगा लेना है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही इस तरीके से हल्का हल्का नाखून लगा लेना है। और अब हमें यहाँ पे जिप लगानी है, तो जो हमारे पास कंसील्ड जिप है ये वाली जिप रहने वाली है, ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो नीचे से आप यहाँ पे चेक कर ले इस तरीके से रखते हुए, हम जिप को यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से हल्का सा पलटते हुए। तो इसके लिए हमें सिंगल फुट का इस्तेमाल करना है। इस तरीके यहाँ पे हम इस तरीके से जिप को रखेंगे और सबसे पहले आपने सिंगल फुट की मदद से इस साइड में सिलाई लगा ली। ये देखिए बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसे इस साइड में हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। जिप को ओपन कर ले। जिप का ये वाला भाग हमारा बिल्कुल हमारे जो मेन फैब्रिक है इसके साथ साथ में लगा हुआ होना चाहिए। सिंगल फुट से हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अब हमें दूसरी सिलाई लगानी है, तो दूसरी सिलाई लगाने के लिए जिप को हल्का सा इस तरीके से हमें पलटना होता है। यहाँ पे ये देखिए जैसे ये गोलाई है तो हल्का सा इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे इसके साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप ही जिप हमारी इस साइड में पलटती चली जाएगी। तो
एक साइड हमने जिप इस तरीके से अटैच कर ली है, तो इसको भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको बंद करके देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से अच्छे से ये सेट बैठ जाएगी ऐसे ही। अब हमें दूसरी साइड भी अटैच करनी है, तो दूसरी साइड के लिए इस तरीके से यहाँ पे इसको घुमा देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे घुमा देनी है। और यहाँ से भी हमें सबसे पहले बाहर की साइड में एक सिलाई लगानी है, और यहाँ पे भी ध्यान रखिए जिप का जो सेंटर है हमारा यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से, मैं आपको दिखा दूँ ऐसे हमारा यहाँ पे जिप का सेंटर ऐसे आना चाहिए। इसके बाद हमें जिप को ओपन करना है, कभी भी जब भी सिलाई लगाएंगे तो जिप को हमेशा ओपन करके ही आपने सिलाई लगानी होती है यहाँ पे। तो जिप को हम इस तरीके से ओपन कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे, और अब हमें यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए फिर से यहाँ पे जो किनारी की सिलाई है ये लगानी है। जहाँ तक हमारा कुंडा होता है यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सिलाई लगाएं, कई बार हमारी सुई जो है इसमें अटक जाती है। अब यहाँ पे आपको आसानी से सिलाई लगाने का मौका मिल जाएगा इसके बाद। ये देखिए जिप हमारी जो है ये अटैच हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे सीधी साइड दिखा देता हूँ, ऐसे हमारी यहाँ पे सीधी साइड रहेगी और यहाँ पे ये हमारी जिप रहेगी, ये देखिए यहाँ पे। और मैंने एक नंबर लाइट जिप ली है ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा सकूँ। ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे हमारी जिप अटैच हो चुकी है। इसके बाद अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे नेकलाइन बनानी है, और जो नीचे का ये वाला कपड़ा होता है ये हमें अंदर की साइड यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड। तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड से भी हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, पूरी फिनिशिंग आएगी हमारी नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। अब आपने यहाँ पे हल्की सी प्रेस करना है और इसको चेक करना है, जिप आपकी बिल्कुल स्मूथली ये बंद हो रही है, ओपन हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके है। इसके बाद हमें नेक लाइन बनानी है, तो नेक लाइन हमारी यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड के लिए हमने अलग अलग इस तरीके से ये रेडी किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक साइड में सबसे पहले इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है, जहाँ तक हमारी बुकरम आती है तो निशान लगा ले, तो ये निशान हमारा दोनों साइड में आना चाहिए, इधर भी और इधर भी। और इसके बाद आपने जिप को करना है ओपन, और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से नेकलाइन जैसे हम तैयार करते हैं वैसे ही इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हमें नेकलाइन को पलट लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है और बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगा लेनी है। आपने बस यही ध्यान रखना है जो हमारा निशान है इससे ऊपर नीचे ना जाए, ये देखिए यहाँ पे निशान है, तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे आपने पक्का करना है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई को पूरा करना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो निशान है बिल्कुल सिलाई के ऊपर है। अब हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखना है और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कट लगाएंगे जैसे हमेशा लगाते हैं गोलाई में। अब जब हम इसको पलटते हैं तो एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से हल्का सा एक कट लगा लेना है जिप में ऐसे, और एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग कर देते हैं ताकि ये हमारा जब हम इसको पलटे अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे रखते हुए ये सारा मार्जिन जो है अंदर रहेगा, और यहाँ पे इसको
ऐसे हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप इसमें कच्चा डाल लें पहले या तुरपाई कर लें, जैसे आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं कच्चा डाल दूंगा। ये हमने कच्चा डाल लिया है और एक साइड की जिप, एक साइड की नेकलाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब जैसे मैंने एक साइड की यहाँ पे नेकलाइन तैयार की है, सेम वैसे ही हम दूसरी साइड की भी नेकलाइन कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से जिप लगा सकते हो जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि कैसे जिप लगाई जाती है, कैसे पट्टी लगाई जाती है और कैसे हम पूरी फिनिशिंग से जिप को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।